मैं प्रियंका जांगिड़ नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 1, पथ मेरा आलोकित कर दो। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे उनके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हरकर ज्ञान का तेज प्रकाश फैलाए, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा इस संसार को पाने की कुछ अपेक्षा कर सके। साथ ही कवि ने ईश्वर से संसार के जन कल्याण की कामना भी की है। इसके रचयिता है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी। आगे जो कविता दी गई है उसके द्वारा हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में बहुत कुछ बन सकते हैं और हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम इस छोटी सी कविता के माध्यम से कुछ हासिल भी कर सकते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उरका तम हर दो। कवि कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, नई सुबह की नई किरणों से मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, अर्थात मुझे सुमार्ग दिखा दो। हे ईश्वर, तुम मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, अर्थात मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाओ। मैं नन्ना सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्ना सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझे ऐसे पग दो पर दो। अब कवि कह रहा है, हे भगवान, मैं छोटा सा राहगीर संसार के रास्तों पर चलना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा पक्षी संसार रूपी आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहता हूँ, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसकी प्राप्ति के लिए मुझे ऐसे पैर या पंख अर्थात साधन दो कि मैं अपने जीवन यात्रा में सफल हो सकूं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझे मंगलमय वर दो। हे प्रभु, मुझे अब तक जो कुछ विरासत में मिला है, जितना कुछ मैं जीवन में प्राप्त करूं, मेरी यही इच्छा है कि इन सबसे ज़्यादा ही संसार के लिए छोड़कर जाऊं। हे भगवान, मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं अपने सत्कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। बच्चों, हमने कविता पढ़ी पथ मेरा आलोकित कर दो। अब हम देखेंगे इस कविता के शब्दार्थ। पथ यानी रास्ता, तम अंधकार, आलोकित प्रकाशित, विहग पक्षी, नवल नया, निर्दिष्ट निश्चित, रश्मियों किरणों, मनोकामना मन की इच्छा। बच्चों, अब हम इसके व्याकरण बोध पर चलते हैं। इन धातु शब्द को क्रिया में बदलिए। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु होता है, अब है क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, जैसे चलना, बैठना, दौड़ना आदि। अब पहला है सीख, तो इसका होगा सीखना। खै उड़, तो इसका होगा उड़ना। चल चलना, पा पाना। आगे बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं। पाया जग में जितना अब तक, यहाँ जग का अर्थ है संसार है। जग में पानी ले आओ, यहाँ जग का अर्थ एक बर्तन से है।
निम्नलिखित शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। कर हाथ और दूसरा टैक्स। वर लड़का, दूसरा इसका वरदान। पर पंख और दूसरा परंतु। अब चौथा है ग्रह। घर उसका है ग्रह और है घर कर जाना, जैसे कोई बात घर कर जाती है। बच्चों आज हमने कविता पढ़ी पथ मेरा आलोकित कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।